बंदर और आईने की कहानी। एक जंगल में एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर यहाँ से वहाँ कूदता हुआ जीवन व्यतीत करता था। ऐसे में उसको एक आईना मिला। वह बंदर जंगल के सभी जानवरों को आईने को दिखाया। सबसे पहले भालू अपने आप को आईने में देखकर, हे भगवान, क्या मैं इतना बदसूरत हूँ, कहने लगा। बाद में लोमड़ी भी अपना प्रतिबिंब देखकर, अगर मैं हिरण के जैसा होता तो कितना अच्छा होता, सोचकर दुखी हुआ। ऐसे सभी जानवर एक के बाद एक अपने प्रतिबिंब को आईने में देखकर, मैं ऐसा रहता तो अच्छा रहता, मैं वैसा रहता तो अच्छा रहता, कहकर सोचने लगे। आखिर में बंदर उस आईने को उल्लू के पास लेके गया। होशियार उल्लू ने, नहीं नहीं, मुझे आईना मत दिखाओ, जो भी उसे देखा है ना खुश होकर बैठा है, इससे किसी को भी कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी चीज को देखकर दुखी होना कहाँ तक ठीक है, कहो, कहकर वहाँ से उड़ गया। बंदर उल्लू की बात को समझकर आईने को पानी में बहा दिया। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा चीजों पर मोह करना बेकार है।